आपका इन्वर्टर है, नाइट्रोक्स 3 किलोवाट हाइब्रिड सिंगल फेस। सही ठीक है। और वायरिंग है जो ग्रिड से आती है, लोड की जंक्शन, सारे आपके जितने भी वायर्स हैं सब इसमें कनेक्ट होते हैं। अच्छा ये देखा, अच्छा, ये इसका वाईफाई डोंगल है। सही, मतलब कि सारे सामान जो है वो कंप्लीट ऐसी सीरीज के साथ, ये मेक श्योर जरूर कर लेंगे सारी चीजें आपको मिले। हीटिंग लगी हुई है जी जी इसी वजह से, मतलब नाइट्रोक्स की बात ही अलग ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल कोशिश इसकी वजह से ये होती है कि आपका इन्वर्टर बिल्कुल ठंडा रहता है, और जितना आपका इन्वर्टर ठंडा रहेगा उतनी ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, चाहे वो कोई भी इन्वर्टर हो। तो कर लें, वारंटी कार्ड जरूर चेक करें कस्टमर, ये वारंटी कार्ड पहले से फिल तो नहीं है। ये वारंटी कार्ड का सीरियल नंबर भी, इन्वर्टर का सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है। बिल्कुल यही सेम सीरियल नंबर वारंटी कार्ड पे है, यही इन्वर्टर पे है, और यही बॉक्स पे होगा। तीनों मैच मैच बिल्कुल मैच कर लेंगे। 1.2 किलोवाट ठीक हो गया। न्यू वेरिएंट 2024 सही है। 24 वोल्ट के अंदर सेम फीचर्स हैं, वाईफाई सही है ठीक है। इसके दो, बाद दो बैटरी लगी है ना इसमें। बिल्कुल दो बैटरी। इसके बाद मेरे पास 4 किलोवाट है, अच्छा 24 वोल्ट के अंदर है, सेम फीचर्स हैं, विदाउट बैटरी भी वर्क करता है। अराउंड 6 किलोवाट सेम वारंटी है, और लेकिन ये 48 वोल्ट है, इसमें 4 बैटरीज रखते हैं। अच्छा लॉन्जी का हाइमर 7, अच्छा 585 वाट बाईफेशियल, जिसे डबल ग्लास कहते हैं, ठीक है। और जिनको 585 वाट्स, ये भी बाईफेशियल है, ये भी बाईफेशियल है, ठीक है, वही सेम वारंटी है। इसके अंदर सनोवा है जो टियर 1 के अंदर आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये जी 615 वाट का पैनल है अल्हम्दुलिल्लाह। एनवेरिक्स का मस्टैंग 575 वॉट भी अवेलेबल है, डबल गिलास के अंदर, जिसकी 15 साल की फ्रेम वारंटी और 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। इसके अलावा मेरे पास छोटे पैनल्स के अंदर इनवेरिक्स, मैंने आपको जैसे कि बताया 180 ठीक है वॉट, और सनोवा 230 वॉट सॉरी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सलमान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। अपना नाम बताइएगा। हसन नाम है सलमान भाई मेरा। अच्छा हसन भाई, जरा अपनी शॉप की जरा स्पेशलिटी बताइएगा कि आप किस चीज में डील करते हैं। सर हम लोग मेरी कंपनी का नाम जो है सन लैब सोलर एनर्जी है, और हम लोग सोलर में डील करते हैं, इन्वर्टर्स में, पैनल में और बैटरीज में। ठीक है। बैटरीज हमारे पास टॉल ट्यूबलाइट भी है और लिथियम आयन भी होती है। ठीक हो गया। और इन्वर्टर्स के ऑथराइज डीलर है। सही है। और सोलर पैनल्स में हमारे पास सारी वेराइटीज है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको है, लॉन्जी है, इन्वेरिक्स के मस्टिंग है, सही है, और सनोवा है। ठीक हो गया। तो बाकी इन्वर्टर्स हमारे पास इन्वेरिक्स ही होते हैं। इन्वेरिक्स है। मतलब इन्वेरिक्स की कंप्लीट सीरीज आपको? अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेरिक्स की सारी सीरीज। विरॉन भी मिल जाएगा, नाइट्रोक्स भी, नाइट्रोक्स भी, योकॉन भी। ठीक हो गया। रेट का बताइएगा, क्योंकि उसमें मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। ठीक है। और इसके अलावा रेट इतने नीचे आ गया कि उसमें ये भी होता है कि जाहिर सी बात है बी क्वालिटी का ही माल आ जाता है। इसके दौरान लोगों को समझ नहीं है कि एक एक ग्रेड माल, क्योंकि पहली दफा जो परचेस कर जाते हैं उनको नहीं पता होता कि एक ग्रेड माल कौन सा, बी क्वालिटी का माल कौन सा है। तो इस हवाले से बताएं और रेट के हवाले से बताएं कॉम्पिटिशन जो है। देखिए रेट्स के हवाले से तो सलमान भी सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर ही रेट्स कम है। ठीक है। जैसे कि अब अगर ये आप कहेंगे कि मैं अदर कंपनी से कम रेट में, मतलब 3 रुपए 2 रुपए का फर्क दे दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल वो तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि है ना अभी रेट्स इतने ज्यादा नीचे आ चुके हैं कि जिसकी वजह से जो है ना वो बहुत कम प्रॉफिट के ऊपर काम हो रहा है। मतलब और मैं हर कस्टमर को यही कहूंगा कि इस वक्त आप 1 रुपए या 50 पैसे को ना देखिएगा, जो भी आप परचेज करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट कर लें। अच्छा सेकंड, ये जो आपने कहा कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और लोकल पैनल की क्या पहचान है, जी जी, तो सबसे पहले तो हम कोशिश ये कर देंगे हम सोलर पैनल्स को स्कैन करवा दें। ठीक है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जो जो भी कंपनी है उसकी जो वेबसाइट है या उसका ऐप है वो चलता नहीं है, तो जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता, तो उसकी दूसरी चीज ये होती है कि हम उसको डॉक्यूमेंट्स देते हैं। ठीक है ठीक है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, कस्टमर उसको चेक करना चाहे बिल्कुल चेक करें, हम तसल्ली से कस्टमर को कहते हैं कि आप अपने वेरिफिकेशन करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि हम 2 नंबर चीज नहीं बेच रहे। सही है ठीक है। कस्टमर सेटिस्फाई होता है अल्हम्दुलिल्लाह लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले कौन सा पैनल दिखा रहे हैं? सबसे पहले सलमान भाई मैं आपको दिखाऊंगा लॉन्जी का हाइमर 7, अच्छा 585 वाट बाईफेशियल, जिसे डबल ग्लास कहते हैं, ठीक है। और ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी मार्केट में इन हो गया है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले आया ये? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये 1 से 1.5 महीने पहले आया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस है। ठीक है। और इसके प्राइसेस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मेरे पास है जिनको, अच्छा जिनको 585 वॉट्स, ये भी बाईफेशियल है, ये भी बाईफेशियल है। ठीक है। वही सेम वारंटी है। और ये कहेंगे कि सबसे नंबर वन हॉट केक आइटम है, तो गलत ना होगा क्या ये बात? सही कह रहा हूँ मैं? जिनको की जी जी, जी बिल्कुल ऐसा है, जिनको का नाम ज्यादा है, नो डाउट जिनको का नाम ज्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कस्टमर को बताते हैं कि जी सारे पैनल्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। 19-20 का फर्क तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4-5
पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा हो, सही है। इसके अलावा मेरे पास बड़े पैनल्स के अंदर सनोवा है जो टीयर वन के अंदर आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जी 615 वाट का पैनल है। अच्छा, 615 वाट बायोफिशियल है ये भी, और 15 साल की फ्रेम वारंटी और 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। ठीक है, तो ये वारंटी क्लेम यही हो गया आपके पास, ये इंटरनेशनल वारंटी जिनको की होती है? नहीं, लोकल वारंटी है, जैसे कि आपकी लोकल वारंटीज होती है ना जी, जी। आप बेफिक्र हो जाए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम फलांग के पास या फलांग अगर का शुगर है, इसमें कंप्लेन आती ही नहीं है सोलर पैनल्स में खास तौर पर। सेकंड ये कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एनवेरिक्स का मस्टैंग 575 वॉट भी अवेलेबल है, डबल गिलास के अंदर, जिसकी 15 साल की फ्रेम वारंटी और 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। ठीक है, और बहुत जबरदस्त चीज है। इसके अलावा मेरे पास छोटे पैनल्स के अंदर इन्वेरिक्स मैंने आपको जैसे कि बताया 180 ठीक है वॉट, और सनोवा 230 वॉट सॉरी ठीक है, और होंडा का हमारे पास 200 वॉट का भी पैनल है। ठीक है, तो ये छोटे पैनल सारे एक जैसे ही है, इसमें कोई फर्क है थोड़ा बहुत ब्रांड का, मतलब क्या ब्रांड का फर्क है, एफिशिएंसी का फर्क है, परफॉर्मेंस में तो फर्क आता है, जाहिर सी बात है। अब जैसे इन्वेरिक्स है, इन्वेरिक्स का छोटा पैनल इनसे महंगा है, महंगा इसमें जैसे उसकी परफॉर्मेंस में एफिशिएंसी ज्यादा है। हाँ, एफिशिएंसी। अब जैसे सनोवा है, सनोवा भी बहुत अच्छी कंपनी है, टियर वन के अंदर आती है। अब होंडा है, होंडा भी अच्छी कंपनी है, लेकिन जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आता है, फिर रेट्स में भी। सनोवा जो एन टाइप है, टेक्नोलॉजी है कि ये जो अदर इससे पहले की जो टेक्नोलॉजी थी, तो एन टाइप इसमें सिलिकॉन वगैरह जो भी चीजें हैं जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो क्लाउडी वेदर का इशू आता था कि क्लाउडी वेदर में सोलर पैनल्स काम नहीं करते, और ये कि 5-6 साल बाद अपनी परफॉर्मेंस को गिराना शुरू करते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जब से एन टाइप सीरीज स्टार्ट हुई है, तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है क्लाउडी वेदर का भी, परफॉर्मेंस में भी। अच्छा। और ये लाइफ भी अपनी तकरीबन 8-10 साल बाद जाके गिराने शुरू कर। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं क्लाउडी वेदर में कौन कहता है वो काम नहीं करता, ऐसा क्या सर? बिल्कुल करता है काम, बिल्कुल। आप किसी से भी पूछ लें, इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब सर्च करें, गूगल सर्च करें। अच्छा अच्छा, आपको कस्टमर्स बताएंगे कि एन टाइप जो मोनोपर्क हाफ कट सेल टेक्नोलॉजी है वो है ही इसीलिए कि भाई आपका क्लाउडी वेदर में भी जो है आपको अच्छी एफिशिएंसी मिलती है। ठीक है, ठीक है। तो अब हसन भाई, अब आते हैं रेट्स के ऊपर। ठीक है, आपको बताता हूँ, लॉन्जी हाइमो 7 जो है कितने वॉट का ही है? ये 585 वॉट का है, बायफिशियल। ठीक है, बायफिशियल। ये रेट बता दें जी, ये मैं आपको दूंगा, अल्लाह आपका भला करे, 33 रुपीज पर वॉट। 33 रुपीज यानी सिंगल का रेट है, कोई एक दो सर? ये सिंगल का रेट है, इंशाल्लाह आपके कस्टमर्स आएंगे आपकी वीडियो देख के, तो जो पॉसिबिलिटीज होंगी हम कम कर देंगे इंशाल्लाह। और इसमें अगर ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, पैलेट भी मिल जाएगा, लूज में भी मिल जाएगा। इसके अलावा फिर मेरे पास जिनको 585 वॉट है, ये आपको बायफेशियल जी, बायफेशियल 585 32 रुपए पर वॉट। अच्छा, 32 रुपए पर वॉट आ गया पर वॉट, इतना मतलब और मार्केट मतलब नीचे आ गई है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है मार्केट। ठीक है, सही। इसके बाद फिर जो है मैंने आपको जैसे कि बताया सनोवा 615 वॉट, और सनोवा में मेरे पास 585 वॉट भी है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको 615 वॉट के बता देता हूँ, टियर वन के अंदर आता है, ये आपको मिलेगा 33 रुपीज पर वॉट। 33 रुपीज, ठीक है। और वो दोबारा से रिमाइंड करवा रहा हूँ कि जो भी आएगा इंशाल्लाह, तो जो भी निगोशिएशन हो सकेगी वो जरूर कर देंगे। मतलब ये रेट फाइनल नहीं है इसमें, मतलब है कि इसमें निगोशिएशन हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि ये सनोवा का एन टाइप है, 230 वॉट, सही है, ये आपको मिलेगा 10,500 रुपए का, सही है, ठीक हो गया। और ये होंडा का पैनल है 200 वॉट का, ये आपको मिलेगा 9,000 रुपए का। अच्छा, इन्वेरिक्स मस्टैंग आपको मिलेगा 36 रुपए पर वॉट, 36 रुपीज पर वॉट। कितने वॉट का है वो? वो 575 वॉट का है। ठीक है, बायफेशियल है? जी बायफेशियल है, 15 साल की फ्रेम वारंटी, 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी। सेकंड उसके साथ जो बेनिफिट है सबसे बड़ा वो ये कि उसके साथ उसके वारंटी कार्ड भी मिलेगा आपको। अच्छा, वारंटी कार्ड मिलेगा? जितने भी सोलर पैनल्स हैं इनके वारंटी कार्ड्स नहीं होते, ओरिजिनल होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन इन्वेरिक्स वाइज है जिसका डॉक्यूमेंट के साथ आपको वारंटी कार्ड भी मिलेगा। अच्छा, तो जी हसन भाई कौन सा दिखा रहे हैं सबसे पहले इन्वर्टर? अच्छा सलमान भाई, सबसे पहले तो इन्वेरिक्स की विरोन सीरीज, सही है जी जी, 1.2 किलोवाट, ठीक हो गया, न्यू वेरिएंट 2024, सही है, 12 वोल्ट, यानी एक बैटरी लगी, एक बैटरी सिंगल है, सही है, सही है। विद जो वाईफाई, अच्छा, विदाउट बैटरी भी वर्क करता है। अच्छा, और BMS लगा हुआ है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, आप लिथियम आयन भी सपोर्टेड है, ठीक है, लिथियम बैटरी भी ले सकते हैं, सही है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास 2.5 किलोवाट है, सही, जो इसके बाद आता है, सही है, 24 वोल्ट के अंदर सेम फीचर्स है, वाईफाई, सही है, ठीक है। इसके बाद दो बैटरी लगी ना इसमें? बिल्कुल दो बैटरी। इसके बाद मेरे पास 4 किलोवाट है, अच्छा, 24 वोल्ट के अंदर है, सेम फीचर्स हैं, विदाउट बैटरी भी वर्क करता है, सही, ठीक है, सही है। इसके बाद मेरे पास फिर आ जाता है लास्ट विरोन में, विरोन 6 किलोवाट,
सेम वारंटी है और लेकिन ये 48 वोल्ट है, इसमें चार बैटरीज रखती है। अच्छा, इसमें चार बैटरी और ये विरॉन सीरीज विदाउट बैटरी वर्क करता है। अच्छा सर बताइए विदाउट बैटरी का क्या मतलब है, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। विदाउट बैटरी का मतलब ये होता है कि कुछ कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें बैटरी वगैरह नहीं लगानी। अच्छा, ठीक है, हमें सिर्फ दिन दिन में सोलर चाहिए। अच्छा, तो उसका ऑप्शन ये होता है कि फिर आप दूसरी सोर्स जो है ना वो के इलेक्ट्रिक करें इन्वर्टर के लिए। सही, इलेक्ट्रिक से आपका इन्वर्टर ऑन हो जाएगा और सोलर पैनल पे आपको जनरेशन होगी और आप पूरा दिन जो है ना सोलर पैनल चलाएं। उसके बाद जैसे ही सोलर पैनल बंद होंगी तो आपका इन्वर्टर भी बंद हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक आ जाएगा। बिल्कुल, आपको बैकअप वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। 1.2 आपको मिलेगा 65,500 का। 65,500, बिल्कुल ठीक है। और 2.5 आपको मिलेगा 89,500। 89,500, ठीक है, सही सही। और 4 किलोवाट आपको मिलेगा 1,73,500 का। 1,73,500, सही ठीक है। और वेरॉन 6 किलोवाट आपको मिलेगा 2,50,000 रुपए का। 2,50,000 पे आ गया, 2,50,000 वरना ये भी कुछ नहीं, पहले 2,60,000-65,000 पे। बिल्कुल ऐसे ही है, अभी प्राइसेस कम हुई है। अच्छा ठीक है। और 2,50,000 ठीक है। वारंटी वगैरह, वारंटी वगैरह वेरॉन सीरीज की कंप्लीट वारंटी 2 साल पार्ट्स की होती है और 3 साल की सर्विस वारंटी होती है। ठीक है, ये रेट फाइनल है या इसमें कुछ नेगोशिएशन है इसमें? सर ये रेट्स फाइनल है, आप बेफिक्र हो जाए, रेट्स इंशाल्लाह आपको अच्छे ही मिलेंगे। ठीक है, सही है, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास यूकॉन सीरीज है। यूकॉन की सीरीज में 2 वेरिएंट है, 3.5 किलोवाट यूकॉन और 5.6 किलोवाट यूकॉन। ठीक है, इन दोनों में जरा फर्क बताइएगा, यूकॉन और वेरॉन का क्या फर्क? वेरॉन सीरीज में ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह नहीं है। ठीक है, और पैरेलल नहीं हो सकता। पैरेलल मतलब बस इसको बढ़ा नहीं सकते, इसको जी इसको बढ़ा नहीं सकते, इन्वर्टर कनेक्ट नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं कर सकते। ये वेरॉन में भी नहीं कर सकते, वेरॉन में सिर्फ आपके वेरॉन 6 किलोवाट को पैरेलल कर सकते हैं। अच्छा, उसमें यूकॉन में वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह नहीं है। इसका चार्ज कंट्रोलर थोड़ा हल्का है, 120 एम्पीयर का चार्ज कंट्रोलर है, सोलर चार्जर। ठीक है, और इसमें 3.5 किलोवाट आता है 24 वोल्ट के अंदर, 2 बैटरीज, और 5.6 आता है 48 वोल्ट के अंदर, 4 बैटरीज, मतलब अच्छे 4 बैटरीज। ठीक है, इसकी भी सेम वारंटी 2 साल पार्ट 3 साल सर्विस। ठीक है, और इसकी जो है दूसरी बात ये कि ये भी विदाउट बैटरी वर्क करता है। अच्छा, ये भी विदाउट बैटरी दोनों वर्क करते हैं। सही है, इसके बाद जो प्राइस बता दें, प्राइसेस मैं आपको बता देता हूँ। 1,80,000 अच्छा 3.5 जो है वो आपको मिलेगा 1,50,000 रुपए का। 1,50,000, ठीक है सही। और 5.6 आपको मिलेगा 1,80,000 रुपए का। 1,80,000 जी, ठीक है। इसके बाद मेरे पास जो है वो नाइट्रॉक्स सीरीज है। नाइट्रॉक्स सीरीज में मेरे पास जो है सबसे छोटा इन्वर्टर जो आता है नाइट्रॉक्स सीरीज में, 3 किलोवाट आता है। अच्छा, ये 3 किलोवाट हाइब्रिड सिंगल फेज, 3 किलोवाट भी है, और इसके अलावा ये 6 किलोवाट भी है। ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। 6 किलोवाट जो है ना वो वेयर हाउस में रखा हुआ है, लेकिन 6 किलोवाट मिल जाएगा आपके पास। नाइट्रॉक्स में जितनी भी वेरिएंट है अल्हम्दुलिल्लाह सब मिल जाएंगे आपको। कौन कौन से? 3 किलोवाट नाइट्रॉक्स में, हाइब्रिड में 3 किलोवाट आता है, 6 किलोवाट आता है, 8 किलोवाट आता है, और उसके बाद आता है 12 किलोवाट 3 फेज हाइब्रिड। ठीक है, ये चारों वैरायटी मौजूद है। बिल्कुल, और इसके अलावा ऑन ग्रिड के अंदर भी नाइट्रॉक्स सीरीज की जितने भी किलोवाट्स हैं वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा मैं आपको 6 किलोवाट का बता देता हूँ। इन्वर्टर तो इन्वर्टर का बॉक्स तो सेम ही होता है, वो 6 किलोवाट है। जी जी जी, वो आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 3,58,000 का। 3,58,000 6 किलोवाट वाला जी, और सही है सही। और 3 किलोवाट आपको मिलेगा 2,37,000 जी, ठीक है। और नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट जो है जी जी, वो आपको मिलेगा 4,70,000 रुपए का। 4,70,000 जी, 4,70,000 रुपए का। और 12 किलोवाट आपको मिलेगा 9 लाख रुपए का। 9 लाख रुपए का, बिल्कुल। रमन भाई ये हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं नाइट्रॉक्स 3 किलोवाट हाइब्रिड सिंगल फेस। ठीक है ठीक है, ये आपका अनबॉक्सिंग हो रही है। सही, और इसके साथ जो ये सबसे पहले इसमें इसका यूजर मैनुअल है। जी जी ठीक है, और सेकेंडली इसके अंदर इसका वारंटी कार्ड है। ठीक है, मेक श्योर कर लें वारंटी कार्ड जरूर चेक करें कस्टमर। ये वारंटी कार्ड पहले से फिल तो नहीं है। ये वारंटी कार्ड का सीरियल नंबर भी, इन्वर्टर का सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है। बिल्कुल यही सेम सीरियल नंबर वारंटी कार्ड पे है, यही इन्वर्टर पे है, और यही बॉक्स पे होगा। तीनों मैच, बिल्कुल मैच कर लें, कोई मसला नहीं है। सही है, और ये आप देख लें ये एम्प्टी वारंटी कार्ड है। सही है ठीक है, यहाँ पे हमारे स्टैम्प और सिग्नेचर्स होते हैं। सही है, ये इसके सर्विस सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में। और ये मैनुअल, और ये इसका मैनुअल है। सही, ये आपका इन्वर्टर है नाइट्रॉक्स 3 किलोवाट हाइब्रिड सिंगल फेस। सही ठीक है, और इसके साथ जो एसीसीज वगैरह जरा बता दो। जी, इसकी एसी सीरीज के अंदर इसका आपकी कुछ एसी सीरीज है, इसकी कॉइल वगैरह है। बस इसमें सलमान भाई यही होते हैं, इसके कुछ वायर है, एक कनेक्टिविटी का, और कुछ बोल्ट्स वगैरह हैं। ठीक है, और ये इसकी कॉइल है।
वाईफाई डोंगल जरूर होता है। वाईफाई डोंगल जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसका वाईफाई डोंगल है, ये इसका वाईफाई डोंगल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखा। अच्छा अच्छा, ये इसका वाईफाई डोंगल है। सही, मतलब कि सारे सामान जो है वो कंप्लीट एसेसरीज के साथ, ये मेक श्योर जरूर कर लेंगे सारी चीजें आपको मिले। सही है, और इसमें यही चीजें होती हैं। ये आपका इन्वर्टर है, ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। सही है, ठीक है। ये आप इन्वर्टर की जितनी भी स्पेक्स वगैरह हैं, ये इसका सीरियल नंबर मैंने आपको जैसे कि बताया था। सही है, सही है, सही है। ये देख लें, ये आप इसका बार कोड है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, क्यू आर कोड इसकी अंदर, इसका ये लोगो लगा हुआ है, ये हीट सिंक लगी हुई है जो मैं आपको बता रहा था। सर उठा के देखिए, हीट सिंक, हीट सिंक के लिए मैं आपको जरूर उठा के दिखाता हूँ। अच्छा, ये वो चीज़ है जो मतलब दूसरे विरॉन या विरॉन वगैरह में नहीं, यूगन वगैरह में नहीं, ये हीट सिंक लगी हुई है जी जी। इसी वजह से मतलब नाइट्रोक्स की बात ही अलग है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल कोशिश इसकी वजह से ये होती है कि आपका इन्वर्टर बिल्कुल ठंडा रहता है, और जितना आपका इन्वर्टर ठंडा रहेगा उतनी आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, चाहे वो कोई भी इन्वर्टर हो। सही है, ठीक है। और ये इसका स्टैंड है जो कि इस पे हैंग होता है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर वो स्विचेस वगैरह, जी स्विचेस वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है, जी ठीक है, ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है, और ये इसका ऑन ऑफ, ये बिल्कुल, अच्छा ये सही है, इसका ऑन ऑफ है, और आप इसको यहाँ से स्विच कर सकते हैं। सही है, ठीक है। और ये इसकी सारी वायरिंग है जो ग्रिड से आती है, लोड की जंक्शन, सारे आपके जितने भी वायर्स हैं सब इसमें कनेक्ट होते हैं। अच्छा, ये क्या, ये बैटरी का, ये जी ये आपका पीवी का है, सोलर पैनल्स के लिए, बिल्कुल सोलर पैनल्स के लिए लगता है। और यहाँ पे ये एक बोल्ट है छोटा सा, जिससे जो है आप आराम से इन्वर्टर को यहाँ से खोल के जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सारी यहीं से हो जाएंगी। अच्छा, पहले पहले जो मॉडल था, हाँ बिल्कुल, ये खुलता है यहाँ से ऐसे। अच्छा अच्छा, जोर की तरह, और यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स वगैरह हैं वायरिंग, वो सारा इंस्टॉलर ही करता है, बिल्कुल ऐसे ही, आप खुद से कोशिश नहीं करिएगा। अच्छा अच्छा, सारा इंस्टॉलेशन, सारा इंस्टॉलेशन सारा इंस्टॉलर ही करता है। ठीक हो गया, सही, ठीक है। डिजिटल डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले है बटन के साथ, ठीक है, सही। मतलब एक दफा ले हसन भाई और मतलब जान छुड़ा है, जान छुड़ा है, एक ही दफा पैसे खर्च करने तो इन्वेरिक्स में, और इन्वेरिक्स में नाइट्रोक्स, अगर बजट टॉप ऑफ द लिस्ट है, अगर बजट इजाजत देता है तो बिल्कुल आप नाइट्रोक्स लें। बाकी इसके अलावा इन्वेरिक्स का विरॉन भी लें, यूकॉन भी लें, नो डाउट, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है। सही है, बस फीचर्स का डिफरेंस है, तो वो बिल्कुल सामने खुल के कि क्या डिफरेंस है। सही है, ये चीज है, ठीक है। तो 3 किलोवाट की प्राइस दोबारा बताते हैं, 3 किलोवाट आपको मिलेगा 2,37,000, बिल्कुल ऐसी, मतलब कुछ कमी हुई है इसमें पहले से? नहीं, हाँ इसमें कमी हुई है बिल्कुल, इसके प्राइसेस तकरीबन 10,000 से 12,000 तक का डिफरेंस आ गया है। जी सही है, प्राइसेस में कम है। आप जो जितने जितनी जल्दी पॉसिबल हो वो कांटेक्ट करें इंशाल्लाह। शॉप का एड्रेस बता दीजिए जरा। अच्छा सलमान भाई, मेरा एड्रेस जो है वो सदर कराची, नियर मोबाइल मार्केट, अब्दुल्ला हारून रोड, अगवान 3 रोड भी कहलाता है। सही है, अल नजीब इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार है, मोबाइल मार्केट के साथ, मोबाइल मार्केट के बिल्कुल साथ है। ब्लू कलर का इसका पूरा ग्लास है, ठीक है, आपको कहीं से भी नजर आ जाएगी, सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इसके ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस नंबर 118-117, सही, सनलैब सोलर एनर्जी के नाम से मेरा ऑफिस है। सही, ठीक है, तो आप बिल्कुल जो है आए विजिट करें, और पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरीज देते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी है, अगर कोई इन्वर्टर मांग, डिलीवरीज है, हमारे ऑनलाइन पेजेस हैं, आप उधर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अभी अपना व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ, 03162650169, सही है, सही है। और यही नंबर मेरा कॉलिंग पर है, और एक कस्टमर से रिक्वेस्ट करनी है, मैं अपनी पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पे ना सिग्नल्स का इशू होता है, तो काइंडली अगर आपको कॉल ना मिले तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, जो भी क्वेरी आप, बिल्कुल व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ देंगे ना, तो उससे ये होगा कि अगर कहीं बिजी है, कस्टमर डीलिंग में है, हम फौरन फ्री होकर वो मैसेज देख के आपको रिप्लाई, और इन्वर्टर से अगर कोई कराची से बाहर मंगाना चाहे तो ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, आप इन्वर्टर्स और बैटरीज पाकिस्तान में कहीं भी मंगवा सकते हैं। और सोलर पैनल में थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि एक सिंगल पैनल वगैरह टूटने का खतरा होता है, लेकिन ये है कि वो कुछ ना कुछ अल्लाह ताला आसानी कर देता है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप जिस तरह मुतमईन होना चाहें, पहले मुतमईन होए फिर हमसे प्रोडक्ट लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सलमान भाई बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह, सही है। और इसमें यही चीज़ें होती हैं,